वेलकम टू समीरिफिकेशन। काफ़ी जो कहते हैं ना मोस्ट डिमांडेड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल, वो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए। हंटर 350 का सीट हाइट रिव्यू या पापा का एक राइड इंप्रेशन हंटर 350 के ऊपर। पापा को आप देख सकते हो पीछे, आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स रही हैं वो बहुत काम करी। पापा अभी हेल्थ वाइज ठीक है माशाल्लाह, और आगे भी रेस्ट पे रहेंगे, प्रोग्रेस कर जाएंगे धीरे धीरे। जिन लोगों को नहीं पता है, पापा को 16-17 तारीख को हार्ट अटैक हुआ था और वो फर्स्ट टाइम था, तो सारी चीज़ें थी वो आप एक पोस्ट डाल दूंगा मैं, पढ़ लेना, कम्युनिटी पे डाल रखा है ऑलरेडी, तो वो तो खैर वो चीज़ें हैं। बट हम ये सब बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ हंटर 350 के सीट हाइट रिव्यू की बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्ट्रेट अवे पापा को, आप देख सकते हो पापा हंटर 350 पे। पापा को मैंने अच्छी खासी किलोमीटर्स बाइक चलवा दी है, ये समझने के लिए कि बाइक पापा को कैसी लग रही है। हालांकि बाइक मेरे पे है कुछ दिन से, ये मीडिया यूनिट टेस्ट का रिव्यू भी आएगा अभी कुछ दिनों बाद, अच्छे से चलाकर आपको टेस्ट कर बताऊंगा अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या अच्छी हो सकती थी और क्या चीज़ें अच्छी हैं। वेल, इस वीडियो में हम जैसे बात कर रहे हैं सीट हाइट रिव्यू की, अब हंटर 350 की जो सीट हाइट है वो 790 mm है। ये आप अगर शॉर्ट राइडर है तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है आपके लिए, क्योंकि हंटर 350 का वेट भी इन्होंने कम करा है, वो 181 kg है। अगर आप नॉर्मल बुलेट या क्लासिक से कंपेयर करोगे तो ये 15-17 किलो का इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो पापा से बात करते हैं, पापा ओवरऑल आपको बाइक कैसे लगी? बाइक काफ़ी अच्छी है। अच्छा, आप काफ़ी दिनों बाद बाइक चलाए और हंटर चलाए, रॉयल इनफील्ड बुलेट चला रहे थे इससे पहले, तो बुलेट से एकदम क्या आपको फील अलग लगा इसमें? इसकी फील अलग है, चलाने में हल्की है, ठीक है, इस पर थकान नहीं हो सकता है। अच्छा, तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है ये थोड़ा सा बुलेट से ऐसे है कि आप हल्का झुक कर बैठे होंगे, आपको शायद पता नहीं चल रहा है। बुलेट में आप एकदम सीधे बैठते हैं, देखिए आप इसमें हल्का सा आगे होके बैठे हैं। हाँ, तो हालांकि लॉन्ग रन में बुलेट कंफर्टेबल है, बट ये भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगी इतनी भी, और आपको ऐसा भी नहीं है कि एकदम R15 जैसी बाइक्स की तरह आप बैठे हैं। और जो फुट पैक्स हैं ये थोड़े से रियर सेट है, पूरे भी नहीं है और कम्प्लीटली फ्रंट भी नहीं है, इवन मिड भी मैं नहीं बोलूँगा इनको, हल्के से रियर सेट है, तो पैर आपका जो रहता है वो हल्का सा पीछे रहता है। इससे क्या होता है कि आपको बाइक चलाने में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील आता है, आपको बाइक एकदम मनूवरेबिलिटी जिसको बोलते हैं, ऐसा लगता है कि कंट्रोल में है बाइक काफ़ी, मतलब कि ये वाला पोजिशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है राइडिंग का। ये जो ट्राइंगल होता है इसका, जो हैंडल बार है और जो फुट पैक की पोजिशन है, जिस तरीके से है ये। और ओवरऑल अब सीट हाइट की बात करें तो 790 mm सीट हाइट है। पापा की हाइट 5'2" होगी या 1 inch के अराउंड होगी, 1 से 2 inch के अराउंड होगी, 5'1" 2 inch। और पैर आप देख सकते हो कम्प्लीटली फ्लैट सरफेस पे अभी मैं खड़ा हूँ पापा के साथ, और देखो पापा ने ये सैंडल पहन रखा है, और देखो पैर ऑलमोस्ट पूरे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हो, इधर से भी देख लो और उधर से भी देख लो, और एकदम फ्लैट सरफेस पे बाइक खड़ी है। हंटर 350 है रॉयल इनफील्ड की, जिन लोगों को नहीं पता ये रिसेंटली लॉन्च करी है रॉयल इनफील्ड ने 350 cc में, सेम इंजन सेम प्लेटफॉर्म है, हालांकि व्हील बेस छोटा है क्लासिक मीटियोर से, और व्हील जो है वो 17 inches के हैं फ्रंट एंड रियर बोथ। हालांकि मीटियोर में ये 17 रियर दे रहे थे 2020 में जब मीटियोर आई थी, बट फ्रंट में इन्होंने फर्स्ट टाइम 17 inch दिया है। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन लगता है, चाहे वो व्हील्स हो चाहे वो बाइक का हो, ओवरऑल एक क्वालिटी गुड प्रोडक्ट है। जब से ये बाइक लेकर आया हूँ मैं, काफ़ी लोग मेरे को टेक्स्ट DM कर रहे हैं, चाहे वो मेरे सब्सक्राइबर हो या फ्रेंड फैमिली में हो, इवन फैमिली में ही दो लोगों ने डिसाइड कर लिया इस बाइक को लेने के लिए, क्योंकि ये बाइक ही ऐसी है कि लोग चाह रहे हैं कि अब ये जो नई रॉयल इनफील्ड आ रही हैं इन पर वो ट्राई आउट करें, हैंड्स ऑन करें कि ये कैसी हैं, क्योंकि पुरानी बुलेट्स का जो परसेप्शन लोगों को बना हुआ है कि वो काफ़ी वाइब्रेट करती थी, एवरेज कम होता था, और भी काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी। अगर अच्छाइयाँ थी तो बुराइयाँ भी थी। अच्छाइयाँ ये थी कि पुरानी बुलेट का फेलियर लग था, वो जो डुक डुक साउंड आता था और जो वो रोड पर चलती थी, जो एक चार्म था रॉयल इनफील्ड का, वो उसका एक था। अब ये अलग ही हो गई हैं, कम्प्लीटली न्यू जनरेशन को टारगेट करते हुए बाइक बना रहे हैं, जो एकदम स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन वाला है। बाकी ये सब तो मैं रिव्यू में बात करूंगा, इसमें सिर्फ पापा से बात करने वाले थे हम। ओवरऑल पापा आप और चलाए, आपको थोड़ा बहुत और बताइए बाइक के बारे में कि सीट वगैरह कैसी है, सीट कम्फर्ट कैसा है, मतलब सॉफ्ट है ना? आप बार बार चला रहे थे तो बोल भी रहे थे कि कंफर्टेबल है, बैक में पेन नहीं हो रहा है पीछे, और हालांकि थोड़ा सा पिलियन कंफर्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है, यह सीट थोड़ी छोटी है। जैसे कि जिस दिन मैं ये पिक कर रहा था तो सिस्टर को लेकर आ रहा था, तो वो कह रही थी कि सीट, एक तो ये पीछे इन्होंने बैक रेस्ट नहीं दिया, हालांकि वो आता है, दिया नहीं है क्या, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो आप एज एन एडिशनल एक्सेसरीज लगा सकते हो, ये जो आता है ये स्टैंडर्ड है, वो आता है तो वो यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाता है।
तो जैसे कि अगर लेडीज़ वगैरह बैठेंगी तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो वो नीचे ना आ जाए। लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसे सीट से मेरे को मेजर प्रॉब्लम लगी नहीं। ओवरऑल पेंट स्कीम भी बहुत सारी आती हैं, ये आप मेट्रो रेबल ब्लू देख रहे हो, एक रेट्रो आती है, रेट्रो में स्पोक्स व्हील आते हैं, सिंगल टोन पेंट आता है एंड छोटे मोटे डिफरेंसेस और हैं। लेकिन ओवरऑल इंजन चेसिस सेम है, बाइक सेम है, तो जिसका बजट थोड़ा सा कम होगा वो 165,000-170,000 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगी। ये 195,000 ऑलमोस्ट 2 लाख रुपये तक जाती है, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी से देख रहे हो। पापा एक बार बाइक चला के दिखा दिए ऐसे गोल गोल सीधी, मतलब इतना भी गोल मत चलाइएगा, ये ना ग्रेवल है, इस पर टायर भी फिसल जाता है। आवाज़ बंद हो गई ना, अब चालू करिए, रेस दिए जाइए। गियर सॉफ्ट है, हाँ गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। अब बुलेट चलाते हैं तो बुलेट से इसमें सारी चीज़ें चाहिए चाहिए। ज़्यादा आगे मत जाइएगा, उधर जाके इसके सामने ला के रोकिएगा, ये पीली लाइन से लेकर आइए सीधा सीधा, पीली लाइन पे लेकर आइए सीधा सीधा। बाबा आपने इतनी चलाई, आपको आवाज़ वगैरह कैसी लगी, क्योंकि बुलेट वगैरह से आवाज़ भी अलग है। हाँ आवाज़ वगैरह डिफरेंट है बुलेट से, हाँ लेकिन अच्छी है, लेकिन बेहतर है, कुछ नया है। हाँ कुछ नया है, और चलने में जैसे कटाई जिसको बोलते हैं, इधर उधर हैंडल काटना, वेट तो नहीं लग रहा हैंडल पे? बिल्कुल नहीं लग रहा, चलने में ईजी है। ईजी कोई भी मतलब एक जो वैसा आदमी भी चला लेगा जो ज़्यादा बाइक नहीं चलाया है। हाँ वो भी चला लेगा, वो भी चला लेगा। कम हाइट के लिए गाड़ी लेना चाहिए, अच्छा है, कम हाइट वालों के लिए भी सूटेबल है। 5 फुट एंड अबव एकदम, जो कहते हैं ना कि बिग थम्स अप, एंड उससे नीचे हो तो भी अच्छी है, फिर ज़्यादा नीचे हो तो फिर मीटियोर भी ले सकते हो। बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिनको मीटियोर अंकल टाइप लग रही है या ऐसा लग रहा है कि हाँ वो ऐसा ही रहता है। वो इसलिए ऐसा है ना क्योंकि जब सस्पेंशन दबता है तो टायर पे मार्जिन, ये तार पे मार्जिन चाहिए, ये छोटा, अगर ये छोटा दे देते अंदर रहता और जब दबता तो वो टूट जाता जल्दी। अभी उसमें वो लेवरेज ज़्यादा है इसलिए ऐसे है। और पेंट स्कीम वगैरह कैसा लग रहा है, जैसे नीला सफ़ेद ही अच्छा लगा? मैट है ये, इसमें शाइनिंग नहीं है, ग्लॉस नहीं है ये। अब ऐसी बाइक सारे कलर तो बहुत सारे हैं, 8-10 कलर हैं, ज़्यादा ही होंगे। बाकी ये आपका जो मीटर है, ये मीटियोर और स्क्रैम वाला ही है। और डिस्क ब्रेक काफ़ी सॉफ्ट है। अच्छा ब्रेकिंग कैसे लगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन? ब्रेकिंग अच्छी है, हल्का सा पुश करो आगे का डिस्क ब्रेक, ब्रेक मारते ही लग जा रहा है। ब्रेक्स तो इनकी नई जनरेशन की जो बाइक आ गई है जिसमें ये सेटअप पे पीछे 270 और आगे 300 है। चलिए जी, तो ये था इंप्रेशन पापा के साथ।
आपको एक बाइक का प्रॉपर रिव्यू भी देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि बाइक ओवरऑल कैसे लगी, मेरे को कैसे लगी, या जो एक प्रॉपर रिव्यू में बातें होती हैं सारी वो करके दिखा देंगे। बहुत क्रिस्पी एंड बेहतरीन वाला वीडियो ये बन गया है और रिव्यू भी बन जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर ऐसी और वीडियो देख रही हैं। अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑटोमोटिव कंटेंट आते हैं, तो अच्छा लगेगा अगर आप फॉलो कर लेंगे तो। और जो अपने पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो सैल्यूट है यार, उनका सपोर्ट तो हमेशा अपने पर रहता ही रहता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।